नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1:11। अब मैं हूं आपके साथ शिवानी। बिहार में जेडीयू द्वारा जो पोस्टर वॉर का सिलसिला शुरू किया गया था, उसको लेकर के लगातार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और वैसे ही पोस्टर वॉर का सिलसिला भी लगातार जारी है। वहीं जिस तरीके से जेडीयू ने बीते कुछ दिनों पहले पोस्टर जारी करके राजद के ऊपर हमला बोला था, यहाँ तक कि उस पोस्टर में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में जो चीज़ें हुई थी, जो कार्य हुए थे, उसको लेकर के भी कई सवाल उठाए गए थे। उसी का जवाब देते हुए आज राबड़ी आवास के सामने एक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें नीतीश कुमार से कई सवाल पूछे गए हैं। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पोस्टर जारी किया गया है, इसमें साफ तौर पे नीतीश कुमार के चेहरे को दर्शाया गया और साइड में जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो सभी चीज़ें नीतीश कुमार के शासनकाल में जो हुए हैं उसको लेकर के जोड़े गए हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा गया है कि काम नहीं किया, काम नहीं गिनाऊंगा, 15 साल का काल्पनिक डर दिखाता रहूंगा, सरकारी खर्च पर पब्लिसिटी करता रहूंगा। ये जो 3 लाइन है, कहीं ना कहीं से साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि राजद जो है वो नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कोई भी कार्य को वो गिनाएंगे नहीं, लेकिन जो भी 15 साल का काल्पनिक डर जो दिखाया गया है, जो 15 साल के अंदर जो शासनकाल में जो कार्य किए गए हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे बढ़े तो यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा लगा हुआ है। इसके आसपास में आप देख सकते हैं कि अखबार में अपनी तारीफ छपवाऊंगा, उसके बाद जो यहाँ पे मेंशन किया गया है उसमें है कि पटना को पानी में डुबाऊंगा। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये बिहार में जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी उसको लेकर के यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि माफिया को आवाज़ पर बुलाऊँगा, जनता को भरमाऊँगा। उसके बाद यहाँ दिखाया गया है कि अपराधियों को पनाह दूंगा, टीवी पर चेहरा चमकाऊंगा, प्रचार पर झूठ फैलाऊंगा, रेडियो पर अपना गुणगान कराऊंगा, बच्चों को लाइन में लगवाऊंगा और मुंह तोंद वालों को बचाऊंगा। कहीं ना कहीं इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो नीतीश कुमार के शासनकाल में जो चीज़ें हुई हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर दर्शाया गया है। चाहे बिहार या फिर पटना में ही जिस तरीके से पानी बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, लोग फंसे हुए थे कई जगहों पर, कई महीने तक लोग मर के अपने घरों में फंसे रहे, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर इस पोस्टर के जरिए दिखाया गया है। हालाँकि ये कोई पहली मर्तबा जब नहीं है जब RJD ने कोई पोस्टर जारी किया है, लेकिन बीते दिनों जिस तरह से JDU ने लगातार एक के बाद एक पोस्टर जारी कर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल के ऊपर जो सवाल उठाए थे, इस पोस्टर के जरिए उन तमाम सवालों का जवाब कहीं ना कहीं राजद ने दे दिया है। अब देखना यह है कि इस पोस्टर का जवाब JDU फिर किस तरीके से देती है। हालांकि आज जो बैठक होने वाली है राजद में, कहीं ना कहीं बीते दिनों जो घोषणा की गई थी, जो अधिकारियों के जो पत्र जारी किए गए थे, उसके बाद देखना यह होगा कि जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर के राजद रणनीति बना रही है, घोषणाएँ किए जा रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं इस पोस्टर को लेकर के सीधे तौर पर JDU पर जो निशाना साधा गया है, देखने वाली बात यह होगी कि JDU उसका जवाब कैसे देती है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 1:11। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।